क्या ये टीवी चैनल बंद होने वाले हैं? स्कूल में प्रिंसिपल क्लास में घुसने पर 95% टीचर्स ऐसा क्या करते हैं जिसे जान के आप शॉक हो जाओगे। इस जगह में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर लोग शेरों को जंगल से ज्यादा अपने घरों में पालने लगे? और कैसे, ये जो आप रोड पे गड्ढे देखते हो ये एक्चुअली आपके कार के लिए अच्छे हैं। भाई वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। नंबर 21, जब एक चींटी नेचुरली मरती है तो अक्सर वो अपने कॉलोनी के अंदर ही मरती है, जिसके 3 दिन बाद ये अजीब सी स्मेल रिलीज करती है जिसे सुनकर बाकी सारी चींटियां उसे उठाकर ग्रेवयार्ड में लेकर जाते हैं। आपको नहीं पता होगा लेकिन चींटियों के कॉलोनी में एक ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर वो मरी हुई चींटियों को रखते हैं। नंबर 20, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप 1 घंटे की छोटी झपकी लेने गए हो और फिर आप सीधा 3-4 घंटे की नींद लेकर उठते हो, पर क्या आपको पता है कि एक प्रॉपर नैप बस 26 मिनट की होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप नैप लोगे तो फिर आप उठ ही नहीं पाओगे और आपको उतना अच्छा फील भी नहीं होगा, इसलिए आपको बस 26 मिनट के नैप ही लेनी चाहिए। नंबर 19, भाई ये सच में बहुत फनी है और आपने भी इसे नोटिस किया होगा कि जब ये प्रिंसिपल क्लास में आते हैं तो टीचर अलग ही बिहेव करने लग जाते हैं। एक फैक्ट है कि 95% टीचर प्रिंसिपल के आने पर एकदम अपने बिहेवियर और पढ़ाई की टेक्निक को बदल देते हैं। भाई वीडियो मजे से देख ही रहे हो तो 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार, क्योंकि 3 मिलियन अक्टूबर से पहले करने ही करने हैं। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। नंबर 18, यूएसए के आर्मी के बाद डिज्नीलैंड दूसरे नंबर पर आता है जो कि पूरे यूएसए में सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव खरीदता है, यानी कि एक बच्चों का थीम पार्क यूएसए की आर्मी के जितना बम बारूद इस्तेमाल करता है। नंबर 17, एक लड़की ने एआई से शादी कर ली। जी हाँ, इस फोटो को देखिए, इसमें लड़की तो असली है लेकिन जो लड़का है वो एक्चुअली में एक एआई बॉट है जो कि पूरी तरीके से एआई से चलता है और ये लड़की इसे बस वर्चुअली मिल सकती है, यानी कि फोटो और वीडियो में, लेकिन फिर भी उसने इससे शादी कर ली। नंबर 16, गुजरात में एक ऐसा गांव है जहां पर सब करोड़पति हैं। माधापुर नाम का एक गांव है जहां पर सब लोगों के अगर इनकम को जोड़ा जाए तो वह 5,000 करोड़ से ज्यादा निकलेंगे। और ये गांव है ना कि कोई सिटी, पर इस गांव में ज्यादातर घरों पर अक्सर ताला लगा हुआ होता है क्योंकि इस गांव के अंदर ज्यादातर लोग इंडिया के बाहर ही कमाते हैं और बस वेकेशन बिताने गाँव आते हैं। नंबर 15, एक पिता ने अपनी बेटी को मेडिकल स्कूल में पढ़ाने के लिए और उसकी फीस भरने के लिए अपनी किडनी बेच दी और उसके बाद क्या हुआ पता है, उसी लड़के ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए सुसाइड कर लिया। अब लड़के तो कई आते जाते रहेंगे लेकिन इस बेचारे बाप का क्या होगा जिसने अपनी बेटी से इतनी उम्मीदें रखी थी। नंबर 14, घोड़े एक ही साथ आगे भी देख सकते हैं और पीछे भी। इनकी आंखों का प्लेसमेंट उनके हेड मूवमेंट के साथ कुछ इस तरीके से है कि वो आगे और पीछे एक ही टाइम पर देख पाते हैं और इसी वजह से घोड़ों का रिएक्शन स्पीड भी काफी तेज होता है। नंबर 13, यूएसए के टेक्सास में जितने लोग टाइगर को प्राइवेटली पालते हैं उतने टाइगर तो वहाँ जंगल में भी नहीं है, मतलब कि भाई वहाँ जंगल से ज्यादा लोग टाइगर को अपने घर में रखते हैं और ये बस अपने शौक के लिए ओनर्स उन्हें अपने घर में पालते हैं। नंबर 12, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आपको किसी भी डील होने के चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको हमेशा मीटिंग के दौरान एक टेबल के सेंटर में बैठना चाहिए और उसी के साथ जब आप पहला हैंडशेक दो तो वो एकदम अच्छे से देना चाहिए, ये आपकी फर्स्ट इंप्रेशन के लिए जरूरी है। नंबर 11, अक्सर हम हमारी म्यूजिक की वही सेम प्लेलिस्ट सुनकर बोर हो जाते हैं और अगर हमें नहीं पता कि मूड के हिसाब से अभी कौन सा गाना सुनना चाहिए तो फिर आपको musicovery.com पर जाना है। यहाँ पर आप अपने मूड के हिसाब से नए गानों को डिस्कवर कर सकते हो और शायद आपको अपना न्यू फेवरेट गाना मिल जाए। नंबर 10, बचपन में आपने ऐसे वाले मार्कर बहुत यूज किए होंगे, इन्हें हार्पी मार्कर कहते हैं, पर आपको ये ट्रिक पता नहीं होगी कि अगर ये मार्कर सूख जाते हैं और लिख नहीं पाते तो लोगों को लगता है कि ये वेस्ट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इसकी टिप को बस रबिंग एल्कोहल में थोड़ी देर डिप करना है, आपको इस टाइप की एल्कोहल काफी इजीली मिल जाएगी और इसमें डिप करने के बाद ये फिर काम करने लगेगी। नंबर 9, जेलीफिश के पास हार्ट नहीं होता और कमाल की बात तो ये है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके पास हार्ट नहीं है और इसका रीजन यही है कि उनके पास दिमाग भी नहीं है, यानी दिल दिमाग के बिना ये सर्वाइव कर रहे हैं। इनको तो किसी की भी टेंशन नहीं है क्योंकि दिमाग ही नहीं होगा तो टेंशन कहाँ से होगा। नंबर 8, कई लोगों ने ये नोटिस किया कि जब भी कोई इंसान ऐसी चीजों के बारे में बात करता है जिसमें वो सच में इंटरेस्टेड है तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, पर वही जब कोई फेक बनकर बातों में घुसने की कोशिश करता है तो वो उतने अट्रैक्टिव नहीं लगते। नंबर 7, इस बड़े से बर्ड को देखिए, ये बर्ड इतना ज्यादा बड़ा और अजीब है कि कई लोग इसे इंसान मान लेते हैं जिसने बर्ड का कॉस्ट्यूम पहना हो, पर ये सच में एक बर्ड है जो इतना बड़ा है और इसका नाम है शोबिल बर्ड। नंबर 6, chirpups.com नाम की एक जगह है जहाँ पर आप किसी भी पेट के जैसे कि डॉग या कैट की फोटो भेज सकते हो और वो आपको बिल्कुल वैसा ही एक स्टफ एनिमल बना कर देगा। हाँ ऑफ कोर्स इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे लेकिन कई लोगों को अपने पेट जैसे ही फ्लफी टॉय चाहिए होता है तो उनके लिए ये बहुत कमाल की वेबसाइट है।
एम फायर भाई इस ब्यूटीफुल फोटो को देखो, इसे देखकर आप गलत मत समझो, एक्चुअली में ये तो कितना भला आदमी है जो कि दूध बेचने से पहले उसे अच्छे से पानी से धो रहा है। हाँ आपने बिल्कुल सही समझा कि मैं सार्केस्टिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बताता है किस तरीके से खुलेआम इंडिया में मिलावट होता है। नंबर 4, ये ना सिर्फ एक फैक्ट है बल्कि ह्यूमन इमोशंस का एक सच है कि पावर आने पर ना जाने इंसान कितना भी अच्छा हो लेकिन दूसरों की परवाह करना बंद कर देता है, चाहे वो कैसा भी पावर हो, फाइनेंशियल पावर हो या फिजिकल पावर या फिर पॉलिटिकल पावर, ये आते ही लोग दूसरों के बारे में कम सोचते हैं। नंबर 3, आपको न्यूरॉन तो पता ही होगा, ये हमारे दिमाग तक इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं। आप जो भी चीजें करते हैं, आपको जो भी ऑर्डर मिलता है या फिर आप जो भी फील करते हो, ये सब न्यूरॉन ही वहाँ से यहाँ ट्रांसफर करता है। पर इनके ट्रांसफर होने की स्पीड कितनी होगी, न्यूरॉन ये चीज 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में करते हैं। बाप रे। नंबर 2, क्या स्पीड ब्रेकर से अच्छे पॉटहोल्स हैं? नहीं। आपको पता होगा कि स्पीड ब्रेकर से तेजी से गुजरने पर गाड़ी को थोड़ा डैमेज होता है, लेकिन क्या पॉट होल से कुछ डैमेज नहीं होता? देखा जाए तो स्पीड ब्रेकर पॉट होल से गाड़ी को ज्यादा डैमेज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि रोड पर स्पीड ब्रेकर की जगह हर जगह पर ऐसे ही पॉट होल डाल देने चाहिए, क्योंकि ऐसा किया जाएगा तो स्पीड ब्रेकर का जो मेन काम है यानी कि स्पीड को कम रखना वही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉट होल के ऊपर से गुजरने के लिए लोग फास्ट स्पीड से ही जाएंगे, क्योंकि वैसे भी पॉट होल कम डैमेज करने वाले हैं, और आप पॉट होल के ऊपर से जितनी तेजी से गुजरोगे पॉट होल्स गाड़ी को उतना कम डैमेज करेंगे, इसलिए देखा जाए तो पॉट होल्स डैमेज के हिसाब से गाड़ी को कम डैमेज करते हैं, लेकिन स्पीड ब्रेकर किसी काम की वजह से बनाए जाते हैं, और अगर उनके ऊपर से आराम से चला जाए तो शायद वो गाड़ी को कुछ डैमेज भी ना करे, और इसलिए जिस पर्पस से स्पीड ब्रेकर को बनाया जाता है वो पर्पस पॉट होल पूरा नहीं कर सकते। नंबर 1, ये टेलीविजन शो के बंद होने के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन कई बार पूरे के पूरे चैनल ही बंद हो जाते हैं, जैसे कि टून्स डिज्नी करके एक काफी पॉपुलर चैनल था जिसके ऊपर कई अलग अलग डिज्नी के कार्टून आते थे, लेकिन अब ये चैनल बंद हो गए हैं। और द वार्नर ब्रॉस नाम का भी एक चैनल था, और हो सकता है इंडिया में ये चैनल इतना पॉपुलर ना हो, लेकिन आपने इसके लोगों को एक ना एक बार जरूर देखा होगा। और बिल्कुल ऐसे ही स्टार एक्शन मूवीज नाम का भी एक चैनल था जिस पर हमेशा इंग्लिश मूवी चलती थी, वो चैनल भी अब इंडिया में अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसे बहुत कम लोग स्पेशली खरीदते थे। और इसी के साथ रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज आई थी कि कार्टून नेटवर्क बंद होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, बस उनकी पैरेंट कंपनी चेंज होने वाली है। हाँ, लेकिन इससे कार्टून नेटवर्क के शोज को थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर पड़ेगा। भाई आपको इतना सब तो पता चल गया, पर आपको इतना पता नहीं कि ये सब चीजें एक्चुअली में इंडिया के है ही नहीं, क्यों कुछ महीनों के लिए इंटरनेट पूरी दुनिया में बंद होने वाला है। आप जो मस्किटो रेपेलेंट यूज करते हो इसका असली काम जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और शूज के नीचे ये गैप क्यों आता है? भाई ये वीडियो बहुत मजेदार है तो इसे अभी देखना, और ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।